कर रही हूँ, ये पैकिंग डन, ये शर्ट की पैकिंग हो रही है और ये आ गए हैं धरुण दादा अंदर, नीतू किचन में तैयारी कर रहा है। तो हाय गाइस, मैं हूं दीपिका इब्राहिम, वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। मैं धरुण दादा को भी बता रही थी कि कौन सा सामान किस गाड़ी में जाएगा। इस गाड़ी में सामान जाना है, वो गाड़ी ही नहीं आई है और मैं भयंकर नींद में हूँ क्योंकि आपको पता है मैं पैकिंग लेट नाइट तक करी थी और लेट नाइट करते 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 मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ और अभी 7:30 के आसपास उठ गई हूँ। तो आई एम होपिंग कि रास्ते में रोहान सोए ताकि मैं भी झपकी मार लूँ। ऑलरेडी बोले मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, आप उठा ही नहीं रहे। चले, चाची को देख रहे हो, अभिषेक चाची को देख रहे हो, वो आगे मतलब घूमी फाइन है ना। चलो हाई फाई दो, चलो चलो चलते हैं। चलो, ये आ गई नानी और ये है नानी का एवरीडे का रिचुअल। रोज सुबह सुबह उठ के नानी के हाथ से खाता है ना बनाना, है ना बीबी। अभी उसको ऐसे में जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, बहुत टाइम पास कर लिया हमने, बहुत टाइम पास कर लिया। और हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, रूहान का वो पूल और वो सब फुलाने का पंप को लेके आते हैं। उसके लिए पूल के लिए मैंने कुछ मंगाया है, उसके लिए भी ये लगेगा। और अंकित अभिषेक आते हुए वो गोल जो मिलता है बड़ा वाला, वो भी देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर बहुत छोटा है वॉशरूम के लिए, बड़ा वाला देखेंगे। तो जो रूहान का पर्सनल पूल होगा उसके लिए भी ये लगेगा। ऐसे बड़ा एक्साइटेड है गाड़ी में आके, कहता होगा सुबह से सामान देख रहा हूँ, फाइनली गाड़ी में ले आए। सो हो गया हम लोग रेडी और निकल गए हैं। इस बार सब लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हम लोग बहुत समय बाद जा रहे हैं। सब कुछ अच्छे से रख लिया, सब अच्छे से पैकिंग कर ली, कुछ भूले तो नहीं। तो एक गाड़ी यहाँ और ये रही शोएब की कार, शोएब ड्राइव करते हैं। सो चलिए लेट्स बिगिन द ट्रिप। कहाँ आए हम? देखो देखो पूल, रूहान पूल, रूहान पानी। तो पहुंच गए हम। रूहान जो है वो मस्त अभी खिचड़ी खा रहे हैं, उसे रास्ते में मस्ती भी की लेकिन बहुत सोया है वो। अभी तो मैं फ्री हूँ, सबसे पहले हम रूम चेक कर लेते हैं, किसको कहाँ जाना है वो देख लेते हैं। विदाउट बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छी है। आई होप योर ट्रिप टू द बिगिनिंग इज गुड। आइए बाप, आप अभी के लिए यहाँ रेस्ट करो, ये ठंडा है, मैं खाना लगवाती हूँ। यहाँ पे टीवी नहीं है, मैं देखती हूँ और किसी रूम में टीवी है तो आप वहाँ शिफ्ट कर देंगे। हाँ हाँ, दो है। वाह, इतनी प्रिटी सी थी मैडम, विद दिस चेकआउट फ्लोर एंड ये जो है ये इतना क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्रिटी है, बहुत अच्छा रूम है। ये बड़ा है, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, बट आई थिंक नन ऑफ द रूम्स हैज टीवी किसी भी रूम में। तो ठीक है, बेचारे पापा का मैच उनको फोन पे लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 है और ऊपर 4 है, तो पापा का तो वहीं सही है, जिस पापा ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। सारे रूम्स देख लिए, पूरा विला देख लिया, बहुत ही प्रिटी था, बहुत ही अमेजिंग था। कंक्लूजन यही निकला कि पापा को वही रूम दिया जाए क्योंकि टीवी किसी भी रूम में नहीं है और ग्राउंड फ्लोर पे एक ही रूम था, तो पापा के लिए वही बेस्ट ऑप्शन है। और ये आ गए हम अपने रूम में, ऑल डन। और ये रहा हमारा वेलकम ड्रिंक। वेलकम ड्रिंक रखा है, अच्छा है, लखा है मैं पी गई तो ला क्यों रही हूँ। हाँ पता नहीं, कुछ तो है, बहुत अच्छा है, वेलकम ड्रिंक रखा है, अच्छा है। बाहर की सैर करके आते हैं। ये रहा हमारा गार्डन और ये रहे धर्म दादा। इट इज़ वेरी प्रिटी एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ वेरी वेल केप्ट। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। अब तक मैनेजमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा रहा है। और ये रहा यहाँ पे, ये देखिए इतना प्रिटी सा ऐसे एक क्या बोलेंगे इसको, हट है क्या है, ये छोटा सा पाथ है। ये देखिए, इसमें से जाओ अंदर, ये देखो, आहा, इट इज सो प्रिटी। ये देखो यहाँ कौन है, हाँ जी पापा, खाना रेडी है। और ये है यहाँ पे छोटा सा स्टोन का हट काइंड, जहाँ पे आप अपनी शाम की चाय या ऐसे कुछ एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दुआ करते हैं हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ और एक बेहतरीन इंसान बन पाएँ। आज के व्लॉग में हमने देखा किस तरीके से पूरी इब्राहिम फैमिली बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिप शोएब इब्राहिम ने सबके आने पर प्लान किया है, जिसमें सब लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं। और जो 2 स्पेशल लोग हैं जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम ट्रिप हुआ है वो है रूहान और महर। बाकी सब लोग ट्रिप पर आते रहते हैं। शोएब इब्राहिम इब्राहिम बहुत पहले बेबी होने से पहले चीज़ें प्लान करते रहते थे, बट ये काफ़ी लंबे गैप के बाद है जिसमें सब लोग पूरी फैमिली के साथ साथ रूहान और महर भी इसको बहुत अंजल से इंजॉय कर रहे हैं। विला जो उन्होंने लिया है वो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करती हुई दीपिका और बहुत सारी नई चीज़ें रूहान के लिए वो ट्राई करने वाली है। और इसके साथ साथ पूरा परिवार एक साथ मिलके इतनी खुशी खुशी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहा है, पापा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, सारी चीज़ें तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ बनावटी है, हम तो कहते हैं अगर सब कुछ बनावटी है तो आप भी कुछ चीज़ें बनावटी करके देखिए अपने साथ। क्या आप इतने दिन तक के उसको लंबे टाइम तक के रख पाएंगे? हो सकता है रख लेते हो तो हो सकता है ये भी बनावटी हो, लेकिन मुझे ओवरऑल देख के नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में